जावर इकबाल, डायरेक्टर मालवन हैदराबाद। ये हमारी लॉन्चिंग की तकरीब चल रही है 3 दिन के लिए, जो आज तीसरा दिन है। बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत रश है। हमारा ये प्रोजेक्ट मेन फतेह चौक हाली रोड पर वाक़ है, M11 पे। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें ग्राउंड प्लस 3 दुकान और 4th फ्लोर पर हमने फूड कोर्ट इंडक्ट किया है। ये एक लोकल और कॉमन बिजनेसमैन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपने इन्वेस्टमेंट करे, अपने बिजनेस को अवेल करे और एक आम मार्केट से उठकर एक मॉल में बैठ के अपना कारोबार को फ़रोग दे। मैं उन तमाम छोटे बिजनेसमैनों से गुजारिश करूँगा कि वो एक दफ़ा विज़िट करें, हमारे मॉल को देखें, क्योंकि हम ये डिज़ाइन ही छोटे दुकानदारों के लिए और छोटे बिजनेसमैन के लिए किया है। ये एक हैदराबाद में अपनी तारीख का एक मुनफरद मनसूबा है, जहाँ एक छत के नीचे हर तरह की आपको कारोबारी मौके मैसर होंगे, जिसमें आपको क्रॉकरी, कटलरी, कपड़ा, आपका दर्जी, हर तरह की, यानी कि हम एक छत के नीचे हर चीज़ को अवेल करेंगे। हमें दूसरा जो बुनियादी हमें सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज इस प्रोजेक्ट का कि ये मेन फतेह चौक पे वाक़ है। और आप सबको मालूम है कि फतेह चौक हमारा मेन हब है सिंध जंक्शन का, जहाँ पूरा इंटीरियर उतरता है, उसके बाद शहर में शॉपिंग के लिए जाता है। अगर वही इंटीरियर अपने सेंटर हब पे एक बड़ा बिजनेस मॉल देख लेता है, जहाँ पे उसे उसके मतलब की हर चीज़ अवेल हो जाती है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा हैदराबाद के लिए एक नया क्रिस्म होगा। सर, इसमें बेसिकली अभी हमने बुकिंग शुरू की है, तकरीबन 70% से ज़्यादा हम अपने सोल्ड कर चुके हैं। रीज़न कि हमने मार्च में प्री लॉन्चिंग की थी, उस प्री लॉन्चिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए अब हमारे पास 30-20% आइटम रह गए हैं जो हमने सोल्ड करने। हमारा अपना बुनियादी फोकस अब कंस्ट्रक्शन पे चला गया है, मगर अभी भी जो रिक्वायर यूनिट बाकी रह गए हैं, अगर कोई बुक कराना चाहता है तो 30% डाउन पेमेंट के बाद 36 महाना एक साथ पे उसको हम अवेल करा सकते हैं। वो मॉल वन को दिखानी है, क्योंकि ये एक मामूली मॉल नहीं है, जो कि हर मामूली इंसान के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए सबने जरूर इस मॉल को विजिट करना है। और मॉल वन के यहाँ पे जितने भी ओनर्स हमारे साथ हैं, इनके लिए भी एक शाउट आउट प्लीज, राउंड ऑफ अप्लॉज, जिन्होंने यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया और हमारी मुलाकात करवाई आप सब लोगों से। साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया यहाँ। अब आप सब लोग फिरोज की और मेरी सेल्फी में आने वाले हैं, तो जोर से हाथ I'm not afraid of the dark.
ऐसे आर्टिस्ट इस जोड़ी के अंदर हैं जिनको आपने कॉमेडी के बादशाह आप सबके हरदिल अजीज सिकंदर सनम के साथ जोड़ी में देखा और बेपना मकबूलियत हासिल की सिकंदर भाई के साथ। और हमारे जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो मेरा जो चैनल है आजकल मेट्रो वन, जो मेरा आजकल घर बना था, मुझसे पहले इनका घर था और इन्होंने आबाद किया था उस घर को, मेट्रो वन न्यूज की पहचान है। जब कभी भी मेट्रो वन चैनल का नाम आता है तो उनकी शक्ल ध्यान में आ जाती है और जब कभी हम उनको देखते हैं तो मेट्रो वन चैनल ध्यान में आ जाता है। CID कल्लू मल्लू सल्लू सब चलता है, बेचबार प्रोग्राम किए, उमर शरीफ साहब के हर स्टेज ड्रामे का हिस्सा रहे, बेचबार कमर्शियल्स, बेचबार सिटकॉम्स आपने इनके देखे। तो आइए इस जबरदस्ती जोड़ी को शहर हैदराबाद की जबरदस्ती ऑडियंस के सामने खुश आमदीद करते हैं। भरपूर पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल होगा क्योंकि हमारा फखर है ये। आप लोगों की जोरदार तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन गिव द बिग हैंड फॉर शकील शाह एंड वली इसके लिए तालियां होना चाहिए भरपूर हमारे बैंड के लिए। ये हैदराबाद से निकल कर पाकिस्तान की सरहदों को फिरने लग गया, माशाल्लाह सरहदों से बाहर भी। थैंक यू वेरी मच, पूछ रहे हैं बात में, बहुत प्यारा बैंड पाकिस्तान का, वेलकम। और यहाँ पर हम मॉल सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को वली शेख और शकील शाह की जानिब से शकील ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे कहते देख पीछे वाले भी जवाब देंगे और ये मेरी बहने बेटियां भी जवाब देंगी और वो दोस्त और भाई भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, यही मोहब्बत है। मॉल वन में अभी सब मौजूद है, फतेह चौक पे इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे प्रोजेक्ट जो है फ्रंट लाइन मार्केटिंग के लिए और एक मुस्तनद नाम पाकिस्तान का फ्रंट लाइन मार्केटिंग, तो उसके लिए इस्तेमाल में है ये सिलसिला और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से अफ्तार हो चुका है। ये आपकी मोहब्बत है तो बहुत सारे ताली होने चाहिए मॉल वन के लिए। और एक खुशखबरी अभी मैं सुनाता हूँ, मुझे आमिर भाई ने अभी खुशखबरी बताई है आप लोगों के लिए कि आप अपने बच्चों को सीटों पर लेके बैठेंगे तो जो जो सीट पर बैठे होगा उसके लिए इनामात है, एक एक गिफ्ट है, एक एक चेयर के लिए आप लोग अपने अपने बच्चों को लेके बैठेंगे। तो आमिर शेख साहब ने ये अभी अभी मुझे बताया, तो एक बार भरपूर तालियां होनी चाहिए ना मॉल वन के लिए। अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए और अपने बच्चों को बिठाइए, किसी और के बच्चे पर बिठा देगा, अपने बच्चों को सीट पर बिठाइए, उनके लिए गिफ्ट है। और आमिर शेख भाई, मुझे रहमान भाई और चौधरी शकील, अपना हाजी शकील साहब और हाजी राशिद भाई, इनके लिए ताली आएगी। और तमाम जो लोग हैं, तमाम तमाम जितना स्टाफ है, जितने कारकुन है, सबके लिए ताली होनी चाहिए मिलके। और आज जिसने हमें यहाँ बुलाया, जिसने टेंशन दे दे के दोपहर 2 बजे टेंशन दिए, हमारा पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रमोटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर जीशान के लिए ताली होनी चाहिए, बहुत सारी तालियाँ जीशान के लिए। ये आर्टिस्टों को जमा करना जानता है कि कब किस वक्त कैसे बुलाना चाहिए। जी अच्छा जी, आपका इरादा है, आपका मूड है कॉमेडी सुनने का, अगर आपकी तालियां बताएगी तो कॉमेडी जरूर करते हैं। मुझे रखिएगा, चले शकील भाई सारी बातों को छोड़े, काम शुरू करें। क्या काम शुरू करूं, इनका डब्बा खोल दूं, क्या काम शुरू करना, क्या हो गया शकील, इन सबको हंसाना है यार। वो माशाल्लाह वैसे ही हंसे, खुश है सब, अब क्या गुदगुदी करूंगा कि मैं, इसकी वजह से मेरी हर जगह बेइज्जती होती है। अभी पिछले दिनों में इसको जांच में लेके बैठा हूँ, इतना पागल आदमी है। कल ये मेरे साथ लाहौर में था, हम लोग रात को कमरे में सो रहे, एक मच्छर आया, मच्छर आके कह रहा भू, इसकी शक्ल देख के बोला अब तू, मैं कहीं से मच्छर में बच्चा लगता हूँ। बराबर वाले रूम में वली शेख भी रह रहा था, रात के 3 बजे शोर मचा रहा है, बचाओ मुझे फालिज हो गया, बचाओ मुझे फालिज हो गया। मैं भाग के से कमरे में क्या देखता हूँ, दोनों टांगे एक ही पैचे में घुसड़ी हुई। तरीका सही कर लो सोने का भाई, हर जगह इसने मेरी बेइज्जती करवाई। हम लोग दुबई में घूम रहे, एक जगह अभी भी लिख रहे, उसको चुप रहा है, एक बड़े मियां ने रख के थप्पड़ मारा, बोला पागल के बच्चे पैसों खाना लिखा हुआ।
ये पता उल्टे आप तो मोड़े तो अरबी सुनने वाली बात है तो अरबी आपने झगड़ा कर रहे हैं दूसरों को अरबी में गालियां दे रहे हैं आज दलील है तुम आज कभी ना तुम ये बीच में खड़ा कह रहे आमीन मेरी अम्मी के लिए भी पढ़ दो भाई मेरी पढ़ दी बात है इधर आप ये भी कल आधी रात को अपनी बीवी से कहना जानू मुझे एक दिन की हुकूमत मिल जाए मैं इस मुल्क का निजाम बदल दूंगा इस मुल्क का कल्चर बदल दूंगा कहीं पागल के बच्चे कपड़े बदल सुबह से मेरे बहन घूम रहा है राम बन जाएगा इतनी शादी हो रही थी ये बड़ा खुश हमने आपको बोला चल अपा आज मेरी शादी हो रही है तो इसका बोले बड़ा बेटा तेरी शादी हो रही है तेरी शादी में मैं कराची स्टेज की टॉप क्लास डांसर बुलाऊंगा कहने लगा नहीं अब्बा आपकी शादी में खुश रहना चाहते मेरी शादी में भी खुश रहना चाहेंगे इसके अपू ने रख के थप्पड़ मारा बोला पागल के बच्चे खुश रहने दे तेरी फुफिया थी घर चिंगारी निकलेगी अबे वो हमारी खाला है छुपो खाला वही दंग करती है कैसे वो लंगड़ी अजीब नाचती है कैसे आई मुझे रंग दे रंग दे वो तो बाजार जाती है अपना रास्ता खुद बना लेती है कैसे आई हक सामने से चल रास्ता दे सामने वाले को लाज लगती है कहता खाला मुझे तो तेरी लत लग गई जहीर आदमी हो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं पढ़े पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल जवाब हो जाए इतने अच्छे लोग बैठे हैं अरे तेरा भाई जवाब तो बहुत अच्छे देता है अच्छा कल मेरे अपने अब्बू को जवाब दे दिया मेरे अब्बू ने बोला वली बेटा पानी पिला मैंने कहा भाई अल्लाह ने पैर दिया खुद उठ के पियो अब्बू हो तो क्या बदमाशी करोगे मैंने बोला देखा अपने अब्बू के सामने सिगरेट पी रहा है पीऊंगा मेरा बाप है कौन सा पेट्रोल पंप पे जोड़ जाएगा सही है तेरे को सवाल जवाब हो जाए हाँ जी पहला सवाल ये बताओ कि अपना पाकिस्तान अच्छा है या अमेरिका अच्छा है मेरी जान सबसे अच्छा सबसे प्यारा मुल्क हमारा पाकिस्तान है क्या बात है पाकिस्तान का बात भाइयों तुम्हें नहीं पता अमेरिका चांद पे पहुंच गया है अबे जा जाके अमेरिका से पूछो चांद पे पहुंचा था चांद पे क्या लिखा था क्या लिखा था मोल वन जिंदाबाद यहाँ में लिख के आया हाँ भाई हामिद भाई हर जगह पहुंच रहे अच्छा तो पाकिस्तान में क्या है जो अमेरिका में नहीं है अबे जो मेरे इस मुल्क में हो कहीं भी नहीं है मेरे इस मुल्क में भाई को भाई से प्यार है सुबह के नाश्ते में नींबू का अचार है उर्दू का अखबार है कायदे आजम का मजार है दाता का दरबार है और सबसे बड़ी बात यह कानों में पांचों वक्त अल्लाह अकबर की आवाजें भी आती है माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी बातें कर रहा है हाँ हाँ सुबह फांसी है हाँ नहीं यार उठते ही खांसी है वो तो है भाई सही आदमी हो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश तो आती होगी अबे दिन में तीन बार किस कलाम लग गई नहीं नहीं उस दिन में इंग्लिश बोला था वो फंस गया फिर की डाल के निकाला तेरे भाई ने मेरे भाई ने अबे मलिक सिंह ने गुलाब खाने नहीं चलो इंग्लिश आती है ना हाँ जी तो मैं आपसे सवाल करूंगा इंग्लिश में है ना उर्दू में करूंगा आपने इंग्लिश में जवाब देना दे दूंगा ठीक है वर्ड तो सुनना हाँ जी एक काली औरत कानों से कम सुनती है उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे दोबारा सवाल रिपीट करिएगा एक काली औरत कानों से कम सुनती है उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे ब्लैकबेरी ये काम की फ्लैली की नहीं है फ्लैली चलो एक दूसरा बेहतरीन सवाल एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे एंटी एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है दोनों पैर नहीं है क्या कहेंगे बिल्कुल फ्री भैंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे शकील शाह वेरी भैंस यार वो मैंने गलत कहा था बाड़े वाली अच्छा भैंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ मिल्क पैक मम्मी भैंस को मम्मी हाँ कत्ते पापा अबे नहीं मामू ये कौन सा रिश्ता है आप वहाँ खड़े हो जाओ जी सफेदी में से निकलने वाले कमरे वहाँ खड़े हो जाओ मैं इधर मुझे इंग्लिश में अपने पास बुलाओ क्यों उर्दू में नहीं आते इंग्लिश में बुलाओ अच्छा इंग्लिश में बुलाऊंगा आ जाओगे आप तब आऊंगा दौड़कर सबके सामने क्योंकि टाइम हो रही आया तो नहीं थोड़ी देर माइक खराब हो गया इसका यार कार वाला हेलो 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 चल इन्हें से बुलाओ कम यार वेरी गुड शाबाश कौन है ये नाड़ा निकाल ले बेटा जावेद भाई आ गया जावेद भाई अब वापस इन्हें से वहीं भेजो अब इधर आ गया तो उधर क्यों जाओ भूख जा रहे हो यार सही आदमी इन्हें से भेजो उधर ही वेरी सिंपल सिंपल वेरी इजी इजी लोड नॉट डिकॉन डिटॉल थोड़ा पीले तेरे बाल भी आ जाएंगे उधर भेज देना उधर वेरी सिंपल यार पर अभी भेज दूंगा ओके ओके कटम करो इसको कम है भाई पर दो मिनट चल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेस पे काम हमारी बुक पर दिया मैं बाहर भेज रहा हूं चल मैं चलो बैठ ना बातें मतलब मैंने सोच लिया मैं रहूंगा ही कहां जाओगे लंदन क्या कहता अमेरिका चले जाओ
पैदल। अरे यार जांच में जाना भाई, डर लगता है भाई जांच में, ऐसा गिर रहा है जहाँ कट रहे। अरे यार मौत का एक दिन मुकदर है, जिस दिन मौत आई उस दिन मरेंगे आप। सबका ईमान है जिस दिन जिसकी आनी है उसकी। अच्छा मेरी नहीं आई, पायलट की आ रही है फिर। हाँ है पीछे गए थे 250 बंदे आराम मौत में। क्या मतलब? हम मुझे तो बैठने भी नहीं आता जहाज में। अच्छा पहली मरतबा जहाज में बैठा हूँ, जैसे ही बैठा हूँ पीछे से किसी लेडीज की आवाज आ गई। क्या माशरे का इस्लाह तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। कौन ये कुसरे? ओहो तुम्हें पता है कि पंजाब में इलेक्शन में खड़े हुए थे ये कुसरे? अरे गवर्नमेंट मुलाजमतें मिल रही है कुसरों को, उनके शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं कुसरों के। हाँ तेरा बना? हाँ मैम। क्या हो गया आज तक गंजा कुसरा देखा है? नहीं आज देखा है। फर्ज कर अगर हूँ तो अनाउंसमेंट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, कोई कुसरा ही बता सकता। हेलो भाई बोलेंगे ये रस्ते से जगह कुसरे कुसरे। पहले तो माजरत के साथ कोई हो तो उनसे माजरत। अबे क्या हो गया? नहीं नहीं कोई एयरहोस्टेस से ना हो ना। अच्छा उनसे माजरत। ठीक है जी। हाँ मॉल वन का खुसरा है, एयरहोस्टेस की जगह खुसरे। हाँ खुसरे। वाह वाह शकील साहब ये क्वालिटी तो तुमने हमें बताई भी नहीं थी। अगर ये तालियां बजाए ना तो समझ लेना खुसरे को दोबारा आना। हाँ ना पक्का कर रहा है तू? ये जल्दी में अरे नहीं बजाया आपको लग रहा है मैं हूँ। आपसे कहूँगा कि शुक्रिया मॉल वन, शुक्रिया जीशान, जीशान यहाँ मौजूद है हमारे प्रमोटर, जीशान के लिए तालियां होनी चाहिए। ईमान शहरिया और तमाम अपने जो दोस्त यार भाई बहन जो उनके ऑनर्स हैं, गुलर रहमान भाई, हाजी राशिद भाई और अल्लाह खुश रखे हाजी शकील भाई और आमिर शेख भाई और तमाम जो और लोग हैं उनके लिए तालियां भरपूर। अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच जी। इमरान